गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जेड इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू। तो ये आपके पास क्लियर आउट फॉर्म की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पी को एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए एंड क्यू को एक एनोदर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बी पुट करते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो कम्प्लीट इंटीग्रल मिलता है वो मिलता है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस ए इंटू बी। तो आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा। फिर उन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है जो x इक्वल टू जीरो से पास हो रहा है जेड इक्वल टू बाईस के। तो ये आपके पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कौची प्रॉब्लम होगी। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि x को जीरो बाई को टी पुट करेंगे, z की जगह आपके पास टी स्क्वायर आएगा। तो नॉन लीनियर कौची प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई जेड ए कॉमा बी इन टर्म्स ऑफ ए कॉमा बी। तो वो मिलेगा आपके पास ए एक्स प्लस बी बाई प्लस ए इंटू बी माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको तीन स्टेप फॉलो करने होते हैं नॉन लीनियर कौची प्रॉब्लम के लिए, कि ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म आई है आपके पास इसको यहाँ पुटअप करेंगे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ टी में आएगी आपके पास और ए एंड बी के टर्म्स में आएगी। तो यहाँ से आप टी को एलिमिनेट करेंगे, टी से जब एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास ये जो टी वाली इक्वेशन आएगी, तो वहाँ से जो टी आएगा आपके पास वो इन टर्म्स ऑफ ए आएगा या बी आएगा। तो टी की वैल्यू आप जब वो उस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहाँ से आपके पास ए या बी में रिलेशन आता है। तो जो आपके पास सपोज कीजिए ए या बी में रिलेशन आए फाइ ऑफ बी या बी इक्वल्स टू फाइ ऑफ ए, उस रिलेशन को आप इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके साथ उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, या तो ए प्रेजेंट होगा या बी प्रेजेंट होगा। उसको एलिमिनेट करने के लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए करेंगे, उसको इक्वेट जीरो करते हैं। तो वहाँ से आप ए या बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आपके पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ए या बी, वहाँ आप ए की वैल्यू पुट करके गिवन सरफेस फाइंड करते हैं जो आपके पास गिवन कौची गिवन इंटीग्रल कर्व से पास हो रहा होता है। तो इसको फॉलो करते हैं हम। तो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है जेड इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये आपके पास जीरो आएगा प्लस बी इंटू टी प्लस ए इंटू बी जी की जगह माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपके पास जो मिला यहाँ से एफ जो भी ऑप्टेंड हुआ आपके पास ये मिला, इसको आप क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे और जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो वो क्या मिलने वाला है आपके पास यहाँ से बी माइनस टू टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से बी की वैल्यू टी की वैल्यू जो मिली आपके पास वो मिली बी अपॉन टू। अब आप टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए और बी में रिलेशन मिलेगा हमेशा। तो आप बी की वैल्यू टी की जगह बी वाई टू प्लस ए इंटू बी माइनस बी स्क्वेयर वाई फोर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से बी स्क्वेयर वाई टू माइनस बी स्क्वेयर वाई फोर इक्वल्स टू माइनस के ए इंटू बी। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा बी स्क्वेयर वाई फोर इक्वल्स टू माइनस के ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या मिली यहाँ से माइनस के बी स्क्वेयर वाई फोर, दैट इज आपके पास सॉरी बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस ए इक्वल्स टू आपके पास क्या मिला माइनस के बी वाई फोर, तो बी इक्वल्स टू आपके पास मिला माइनस के फोर टाइम्स ए। अब आप क्या करेंगे ये जो ए और बी में रिलेशन है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एक प्रेजेंट होगा पूरा गिवन इक्वेशन में। तो यहाँ से जब मैं बी इक्वल्स टू माइनस फोर ए पुट करूँगा तो एफ ऑफ एक्स बाई जेड ए बी की जगह माइनस फोर ए पुट किया आपने, तो ए एक्स प्लस बी वाई की जगह माइनस फोर ए बाई प्लस ए इंटू बी। तो माइनस के आपके पास क्या मिलेगा फोर ए स्क्वेयर माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये मिली आपके पास इक्वेशन। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए करेंगे इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपके पास एक्स माइनस के फोर बाई माइनस के एट ए इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास x माइनस फोर बाई इक्वल्स टू एट ए मिलेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो मिलेगी वो x माइनस फोर बाई अपॉन एट मिलेगी। अब आप ये a की वैल्यू इस गिवन सरफेस में पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई करो इसको आप, तो यहाँ से a की जगह आपको क्या पुट करना है x इंटू एक्स माइनस फोर बाई अपॉन एट
माइनस के 4, a की जगह आपने पुट किया x माइनस 4 बाई अपॉन 8 इंटू बाई माइनस 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 4 बाई का होल स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल्स टू z। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास z ऑफ x कॉमा बाई मिलेगा, वो मिलेगा एक्स वाई 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर। सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से आपके पास जो कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपके पास सरफेस आएगा एक्स वाई 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर, जो आपके पास गिवन सरफेस से पास हो रहा होगा। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन सी ट्रू होगा, डी ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा। तो जब भी आपके पास कोची प्रॉब्लम आएगी नॉन लीनियर में तो 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपके पास। सबसे पहले जो भी आपके पास एक कंडीशन गिवन है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कीजिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इक्वेशन को पुट अप करेंगे, वहाँ से आपके पास टी को एलिमिनेट करेंगे। टी को जब एलिमिनेट करते हैं तो उससे जब हम पुट अप करते हैं उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म, तो वहाँ से आपके पास ए और बी में रिलेशन आएगा। उसको गिवन आप इक्वेशन में पुट अप करेंगे, वहाँ से फिर एक आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और उसकी वैल्यू को आप पुट अप करेंगे।